सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। आप सब लोग अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के आए मेरे लिए, तो रियली सो मच थैंक्स फ्रॉम माय साइड। एंड माई सेल्फ अबीर वर्ल्ड, इट्स माय स्टेज नेम, एंड आई एम अ एंटरप्रेन्योर। मैनुफैक्चरिंग यूनिट है मेरे, और ये सॉन्ग, ये मेरा हमेशा से एक पैशन था कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूं जो थोड़ा सा बिजनेस से हटके हो, मैं लोगों को एंटरटेन करूं, लोगों को खुश करूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो एल्बम बनाई हुक्का। अभी ये बताइए, आपके गाने के लिरिक्स किसने लिखे हैं? जी, मेरे गाने के लिरिक्स मैंने खुद लिखे हैं। आपका पहला प्यार हुक्का है। आपने एक गाना गाया है। हाँ जी, आपको पता है कि इट्स अ रैप सॉन्ग, इट्स अ टोटली रैप। हाँ, आपने गाने के लिरिक्स खुद लिखे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, जिस देश में फिल्मों में अगर स्मोकिंग का सीन आता है तो साथ ही साथ चेतावनी भी आती है, right. आपका गाना जब दिखाया जाएगा तो क्या उसके साथ भी चेतावनी आएगी? देखो जी, वो तो सेंसर और ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे, चेतावनी देनी चाहिए तो ज़रूर देंगे। रैप गाता हूँ, घर में लाके रखी नोटा दी मशीन, हाउस में रखी इन करे से रहती हसीन, आई डोंट मेक लव आशिक मैं कमी। अबे अभी तो हुक्का है, नेक्स्ट टाइम बूस, नेक्स्ट सॉन्ग इज चोकोपाई। ओके, चोकोपाई, चोकोपाई विद द बूस, चोकोपाई विद द चोकोपाई विद द गर्ल, द गर्ल, या ग्रेट। बहुत जल्द वो सॉन्ग सुनेंगे, आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं फादर की वजह से हूं, इन्होंने मुझे अपनी लाइफ में, मेरे बिजनेस में आज तक मुझे कहीं नहीं रोका। मेरा जो भी मैंने स्टेप लिया अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, हमेशा मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया हर स्टेप में, चाहे वो स्टेप 1 करोड़ का था या वो 1 लाख का था। मेरे फादर ने मुझे कभी भी नहीं किसी चीज़ के लिए मना किया, उसमें हमेशा बोला डू योर लेवल बेस्ट पापा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको म्यूजिक वीडियो देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, मेहनत इसकी सफल हुई। हाँ जी, सर, तो अब आप क्या चाहेंगे अपने बेटे से, कि वो बिजनेस संभाले अच्छे से या अपने करियर में आगे बढ़े? भाई मैं तो कह रहा हूँ दोनों चीज़ें करें, क्योंकि बिजनेस भी आखिर में इसने ही संभालना है, शुरू भी इसने किया और अंत भी यही लेके जाएगा।